बाइक को पूरी बर्फ में रास्ता नहीं मिली। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6:15 बज चुके हैं। हम रेडी हैं राइड के लिए और हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक, लेकिन एक पंगा हो गया है। कल रात को ये जो शॉर्टकट रूट है जो हंदर से पेंगोंग जाता है, वो कल पूरा पानी से भरा हुआ था क्योंकि कल बारिश हुई थी और कल पुलिस जाने नहीं दे रही थी, बहुत सी गाड़ियां फंस गई थी। तो अभी ड्राइवर ने हमें बताया कि कल तो बिल्कुल जाने नहीं दिया, आज तुम पूछ के जाना नहीं तो वापसी ले चले जाना। तो ये दो प्लान है हमारे, अगर रूट साफ रहा तो हम पेंगोंग जाएंगे, नहीं तो फिर सीधा लेह से ट्राई करेंगे। अब भाई लोग क्या कहते हैं, फिर वहाँ से हम जाएंगे पेंगोंग लेक। और कल रात को हम थे योर डॉम में और बहुत ही अच्छा होम स्टे है, और यहाँ की जितने भी लोकल ये अपनी सब्जियाँ खुद उगाते हैं और वही हमें खिलाते हैं। बहुत ही बढ़िया खाना था यार रात को। अगर आप यहाँ अंदर आएँ तो योर डॉम में रुक सकते हैं, मैं इनका लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो अब चलते हैं अपनी राइड के लिए। तो हम चल पड़े हैं अपने राइड पे, अपने नए सफ़र पे, नई डेस्टिनेशन पे, जो कि है पेंगोंग लेक। पर देखते हैं ये नदी हमें जाने देगी कि नहीं देगी। और ये व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है यार, सामने देखिए क्या शानदार व्यू है। इसी व्यू के लिए आदमी इतने दूर आता है, और वेदर का एंजॉय करने के लिए और बढ़िया टाइम पास करने के लिए। गम त्याक्षी पेंगोंग, तो ये रास्ता कटता है दो जगह, ये तो लेक को चला जाएगा। अगम 24 शक्ति 87, लेक को जा रहे ले, और ये पेंगोंग रास्ता का है कुछ है, ब्लॉक्ड होगा। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं, नहीं तो फिर वापसी आना पड़ेगा काफ़ी। तो अभी दो तीन ग्रुप निकले हैं आगे, कल तो ये रोड ब्लॉक कर रखा था लेकिन अभी ये खोल रखा है। पता नहीं, देखो सुबह की क्या सिचुएशन होती है, सभी को डाउट है, किसी को कंफर्म नहीं है कि रास्ता खुला है बंद है। पानी तो डेफिनेट मिलने वाला है, ये तो 100% श्योर है, लेकिन कम फ्लो में मिलेगा तो आप क्रॉस कर सकते हैं। अभी देखो यार क्या होता है। जय भोले बाबा, रास्ता दिखा हमें। अगम यहाँ से 23 किलोमीटर है, बस अगम तक पहुँच जाए एक बार, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में रिवर क्रॉस करनी है एक, और 2018 में भी मैं इसी रूट से गया था, लेकिन मैं जून में गया था, जून फर्स्ट वीक में थी, ये बिल्कुल पानी नहीं था उसमें। तो अब तो बहुत ईजिली, एक वाटर क्रॉसिंग ज़रूर आई थी, बहुत हैवी वाटर क्रॉसिंग हमने क्रॉस करी थी। चलो देखते हैं यार। वो देखो वो गाड़ियां जा रही हैं तीन तीन नदी के अंदर से, बस वो रास्ता थोड़ा डेंजर है, नदी में पानी भर जाए तो ये रास्ता डूब जाता है सड़क वाला। अगम 14 36 76, और हम नदी के अंदर आ गए हैं, नदी के अंदर से होके गुजर रहे हैं, और ये जब पानी पूरा होता है तो ये पूरा रोड ख़त्म हो जाती है। अभी तो आगे पानी काफ़ी मिलने वाला है, ये तो थोड़ा हाइट है, आगे तो दिक्कत होने वाली है इसको। यार सड़क को थोड़ा ऊंचा करना चाहिए। अगम विलेज क्रॉस कर रहे हैं, खलसर से ये लगभग 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, मतलब कि 45 किलोमीटर के समथिंग हमने कवर कर लिया है अभी तक उंदर से, और अभी तक तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है। होप फॉर द बेस्ट। समय हुआ है 8:15, हम चले थे उंदर से 6:15, तो 2 hours non-stop हमने बाइक चलाई है। तो ये वो जगह है जहाँ 2018 में मैंने यहाँ पे सेम फोटोग्राफी की थी, और मेरी बाइक्स देखिए सामने खड़ी है, अमित भाई की, मेरी और अपना जोगिंदर भाई की, लेकिन इस बार ये फ्लो बहुत ज़्यादा है, पिछली बार फ्लो नहीं था।
तो बहुत ही खूबसूरत है इस समय रास्ता, बहुत ही मज़ा आ रहा है राइड करते हुए। बस अभी कहीं अच्छी जगह जाके अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे हम, मतलब कि 4 घंटे में हम पेंगोंग पहुंच जाएंगे। तो बस अब थोड़ी और फोटोग्राफी करते हैं फिर चलते हैं। तो अभी हम हैं शायद से पहले और हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो ये है ब्रेड ऑमलेट और ये है कॉफ़ी। तो भाई ले रहे हैं मैगी, ये है मैगी, 2 मिनट नूडल। बस अब नाश्ता करके फिर चलेंगे, अभी 2 आवर्स की राइड हमारी और बची हुई है। तो सीधा हम पेंगोंग लेक पे जाके हाफ एन आवर या 1 घंटा वहाँ एंजॉय करेंगे, वहाँ फोटोग्राफी करेंगे, फिर वापस लेक को। हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट फिनिश, चल पड़े हैं पेंगोंग लेक की तरफ। तो अभी आएगा शायोक विलेज, जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो हमने क्रॉस कर लिया है। अभी रेस्टोरेंट वाले भाई ने बताया कि वो मेन पार्ट ख़त्म हो गया है और पुलिस वाले अब किसी को जाने नहीं देंगे इसके बाद 1 घंटे बाद, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग बढ़ जाती है। तो इसलिए एडवाइस है आप सभी से यार, जो भी इस रूट को यूज़ करें तो सुबह सुबह जल्दी निकल जाए, आपको बहुत कम वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। हम शायोक विलेज को क्रॉस कर रहे हैं, दुरबुक है 18 किलोमीटर और 2 घंटे में हम पेंगोंग लेक को पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट है यार खाने पीने के लिए और अपना नाश्ता पानी। सुबह जल्दी निकलोगे तो यहाँ पे बीच में आके आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स शायोक में। और ये हमारे साथ जा रही है शायोक रिवर, शायोक रिवर का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ से। अभी हम माउंटेन के ऊपर चढ़े थे, अब नीचे उतर रहे हैं। ये कोई पास है, अब पास का नाम तो लिखा नहीं है यहाँ पे। जहाँ भी पासिस होते हैं वहाँ पे प्रेयर फ्लैग होते हैं, वो वहाँ पे बांधे होते हैं, आपको बहुत ढेर सारे फ्लैग्स आपको मिल जाएंगे प्रेयर वाले फ्लैग्स इनके। चांगला 43, ले 110, दुरबुक 0। तो ये सीधा रास्ता जाता है ले को, वापसी हम इसी रास्ते से चांगला से होके जाएंगे और लेफ्ट को जाएगा पेंगोंग लेक को। तो हम पहुंच गए हैं दुरबुक। दुरबुक से 2 रास्ते जाते हैं, एक आपको ले जाना है तो ले का रास्ता भी जाता है, दूसरा पेंगोंग लेक। तो हमें वापसी इसी रास्ते पे आना पड़ेगा और ले के लिए, ले जाने के लिए इसी रास्ते से आना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम हैं थिक से और यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है, अपना परमिट दिखाना पड़ता है। तो मैंने एंट्री करा दी, हमारा 32 नंबर है, तो वापसी में कह रहे थे 32 नंबर बता देना। तो 3 भाई की एंट्री हो गई है। आगे से 2 रास्ते जाते हैं, एक चुसुल को जाता है, नीचे की तरफ जाएगा तो आप चुसुल चले जाएँ और राइट से ऊपर को जाएगा तो आप पेंगोंग को जाएंगे। ये 2 रास्ते आगे मिलेंगे हमें, तो हमने जाना पेंगोंग का, तो राइट से जाएंगे हम, चलते हैं। 2 रास्ते निकलते हैं चुसुल के लिए, ये नीचे से रास्ता जा रहा है, ये चुसुल को रास्ता जा रहा है और पेंगोंग से भी रास्ता जाता है और यहाँ से भी रास्ता जाता है। तो गाइस पेंगोंग लेक यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर रह गया है और रोड बहुत ही मस्त है इस समय, कम से कम 40 मिनट लगेंगे हमें और पहुँचने में पेंगोंग लेक। और अभी हम आयरन ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और समय जो हुआ है 11:40 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे हो गए हैं राइड करते हुए। और 4-5 किलोमीटर बाद हमें पेंगोंग दिखाई देने लग जाएगी। लो जी हम पहुंच गए हैं 2000 किलोमीटर दिल्ली से सफ़र करके पेंगोंग लेक, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक। और 1/3 इंडिया के पास है और 2/3 ये चाइना के पास है। तो हम अभी आगे जाएंगे, व्यू पॉइंट्स इसके काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं।
एट लास्ट हम पहुंच गए हैं पेंगोंग लेक। पीछे हमारी दोनों बाइक खड़ी हैं, मैं दिखा देता हूं आपको पेंगोंग लेक। ये देखिए सामने, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक, और हम आगे भी जाएंगे वहां तक। तो ये देखिए मेरे बिल्कुल साथ में है लेक, और इसका पानी देखिए क्रिस्टल क्लियर पानी है, एक एक कंकर नज़र आ रहा है। ये देख लो, नमकीन पानी की लेक है, ये पूरी नमकीन पानी की लेक है, और ये सीधी आगे निकल जाती है चाइना को।